नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जुलाई 2019 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ फाइल से याद आया, आपको मंथली करंट अफेयर की भी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी गई है जून मंथ की, तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ईबुक को आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको पिछले 9 महीने के करंट अफेयर, पुस्तकें, लेखक, प्रधानमंत्री योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचकांक, ब्रांड एम्बेसडर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं 10 फुल प्रैक्टिस सेट के साथ ही। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है दोस्तों गुड़गांव हरियाणा इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की नई गवर्नर बनी है और वो बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। ये थी इससे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नर और अब हो गई हैं आनंदीबेन पटेल। इनके साथ ही 5 और राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो हम लोग उन 5ों के भी नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल 6 राज्यपाल चेंज हुए हैं। जयदीप धनकर को बनाया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ए ऑप्शन में जो दिख रहे हैं जयदीप धनकर, इनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही रमेश बैस को नियुक्त किया गया है दोस्तों त्रिपुरा का नया गवर्नर। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। आनंदीबेन पटेल बनी हैं उत्तर प्रदेश की। लालजी टंडन पहले थे ये बिहार के, अब बन गए हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, आनंदीबेन पटेल की जगह पर आ गए हैं अब लालजी दास टंडन जी, पहले ये बिहार के थे। अब बिहार के चेंज हुए हैं तो बिहार में कौन आए हैं? तो बिहार में आए हैं फागु चौहान। और नागालैंड के भी चेंज हुए हैं तो नागालैंड के हो गए हैं आर्यन रवि। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की बनी है आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के जयदीप धनखर, त्रिपुरा के बने हैं रमेश बैस, मध्य प्रदेश के बने हैं लालजी दास टंडन, नागालैंड के बने हैं आर्यन रवि, बिहार के बने हैं फागु चौहान। क्लियर है बिल्कुल? तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों पिछले कुछ दिनों से राज्यपाल चेंज किए जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में 1-2 और स्टेट के राज्यपाल चेंज किए जाएं। इसके बाद जब ये मामला रुक जाएगा तो मैं आपको एक फाइनल वीडियो दूंगा, स्पेशल वीडियो राज्यपाल पर, जिसमें आपको पूरा कवर अप करा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में जब ये नियुक्तियाँ रुक जाएंगी तब फिर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दे दूंगा। बात करें अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो दोस्तों नियुक्ति होता है इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत वर्ड आपको दिख जाए ऑप्शन में तो तुरंत लगाइएगा राज्यपाल के केस में। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको हटा देगा, जब चाहेगा इनको नियुक्त कर देगा। ठीक है, जब तक चाहेगा तब तक के लिए नियुक्त किए रहेगा, तो ये हुआ प्रसाद पर्यंत। और राज्यपाल की जो सैलरी होती है दोस्तों ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद होती है, यानी कि तीसरा सबसे हाईएस्ट सैलरी पे ही है ये राज्यपाल। ठीक है, और राष्ट्रपति को मिलती है 5 लाख रुपए महीने, उपराष्ट्रपति को मिलती है 4 लाख रुपए महीने, और इनको मिलती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और चाइना के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है हैंड इन हैंड, इसका अगला आयोजन दोस्तों किया जाना है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में ये किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? ये किया जाएगा दिसंबर में, इसकी घोषणा हो चुकी है। दिसंबर 2019 में किया जाएगा इसका आयोजन, मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। ठीक है, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा, ये भारत और चाइना के बीच होता है। किस लिए ये होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा दोस्तों आतंकवाद के विरोध के लिए, इसके साथ ही मानवीय सहायता के लिए, और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके राहत और बचाव कार्यों के लिए ये अभ्यास किया जाएगा हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। अब आया है मेघालय, तो हम लोग मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय देख लीजिए मैप में, शिलांग होती है यहाँ की राजधानी, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, यहाँ के गवर्नर हैं तथागत राय जी। मेघालय और सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, इसको याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है।
मेघालय और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। मेघालय शेयर करता है असम से, और वहीं सिक्किम शेयर करता है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की किस टीम ने 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी हाल ही में भारत की पुरुष टीम और भारत की महिला टीम यानी इंडियन वुमेन और मैन दोनों टीमों ने दोस्तों 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था दोस्तों कटक उड़ीसा में। कुछ दिन पहले आपको इसके बारे में बताया था। तो ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का इसमें इंडियन मेंस टीम और इंडियन वुमेन टीम दोनों ने ही जीत लिया है गोल्ड मेडल। दोनों ही टीमें विजेता हुई हैं, और टेबल टेनिस के कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये कटक उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा था। भारत की जो पुरुष टीम है दोस्तों, इसने हराया इंग्लैंड को, और इसने हराया 3-2 से इंग्लैंड को। और जो भारत की महिला टीम है, इसने भी इंग्लैंड को हराया, और इसने 3-0 से हराया है इंग्लैंड की टीम को। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संजीव कुमार श्रृंगला को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में संजीव कुमार श्रृंगला दोस्तों इसराइल में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? इसराइल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। संजीव कुमार श्रृंगला को देख लीजिए आप लोग, ये दोस्तों इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे। लेकिन अभी मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अब प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हैं विवेक कुमार। कौन? विवेक कुमार जी बन गए हैं। तो अब संजीव कुमार श्रृंगला को बना दिया गया है इसराइल में भारत का राजदूत, ठीक है। इसराइल में ये भारत के राजदूत बने हैं, तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दोस्तों पवन कपूर, इसको भी याद रखिएगा। इसराइल आया है तो मैप में देख लीजिए इसराइल। इसराइल की राजधानी होती है दोस्तों यरूशलम। यहाँ की करेंसी होती है न्यू सकेल। यहाँ की संसद का नाम होता है द नेसेट। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं करेंट टाइम पर बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पनामा में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी मैंने इसराइल के बारे में बात की, अब पनामा के बारे में देखिए। तो पनामा में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों उपेंद्र सिंह रावत। कौन? उपेंद्र सिंह रावत को पनामा में भारत का राजदूत बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले रवि थापर थे पनामा में भारत के राजदूत। लेकिन अब इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर उपेंद्र सिंह रावत को बना दिया गया है पनामा में भारत का राजदूत। पनामा आया है तो पनामा भी को देख लीजिए मैप में। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, और यहाँ की करेंसी होती है बालबोआ। पनामियन बालबोआ होती है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन को भारत को किस देश से जोड़ेगी? तो दोस्तों दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली है, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में ये क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाई गई है। ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दोस्तों इंडिया के मोतिहारी बिहार से, इंडिया के बिहार स्टेट के मोतिहारी से ये नेपाल के अमलेखगंज तक ये बिछाई गई है। टोटल 69 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है, और इसका निर्माण भी इंडिया ने ही किया है 69 किलोमीटर की लंबी इस क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का। तो इससे नेपाल को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस पेट्रोलियम पाइपलाइन से। तो ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है, भारत और नेपाल से ये जोड़ेगी। तो नेपाल के बारे में हम लोग जानते हैं। नेपाल देख लीजिए मैप में, भारत का पड़ोसी देश है। खड़ग प्रसाद ओली जी हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, ये दूसरी प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों काठमांडू। नेपाल की करेंसी है रुपया, और नेपाल की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब जीत लिया है अल्जीरिया ने। किसने? अल्जीरिया ने जीत लिया है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब। इसने किसे हराया है? तो इसने हराया है सेनेगल को। किसे? सेनेगल को इसने हराया है 1-0 से अल्जीरिया ने। ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है दोस्तों अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, और इसमें अल्जीरिया ने अपनी दूसरी बार जीत हासिल की है, यानी कि दूसरी बार ये चैंपियन बना है अल्जीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में शीला दीक्षित जी का निधन हो गया दोस्तों। ये दिल्ली की सीएम थी, दिल्ली की 3 बार ये सीएम बनी थी शीला दीक्षित जी। 15 वर्षों तक ये दिल्ली की सीएम रही थी। वर्तमान में सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इससे पहले शीला दीक्षित जी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट है हाल ही में किसने इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता, तो अभी हाल ही में हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है दोस्तों उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तजाकिस्तान को। उत्तर कोरिया ने तजाकिस्तान को हराकर जीता है हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप। ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दोस्तों भारत के अहमदाबाद में, अहमदाबाद सिटी में भारत में हुआ था इसका आयोजन। उत्तर कोरिया ने जीत लिया है। इसमें चार देशों की टीमें भाग ली थी, उत्तर कोरिया की, भारत की, तजाकिस्तान की और सीरिया की। इन चारों टीमों में उत्तर कोरिया ने तजाकिस्तान को हरा करके जीत लिया है इसका फाइनल मैच। ठीक है, ये भी एक फुटबॉल का ही कप होता है, फुटबॉल का ही टूर्नामेंट होता है, हीरो द्वारा आयोजित किया गया था हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया दोस्तों 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को ये मनाया गया। शतरंज जो होता है खेल दोस्तों, ये इंडोर गेम होता है। इसके बोर्ड में 64 खाने बने होते हैं। ठीक है, 8×8 वर्गाकार खाने होते हैं, 64 खाने बने होते हैं। और इसमें दोस्तों ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वे थे विश्वनाथन आनंद। कहाँ के थे? ये थे तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो शतरंज दिवस दोस्तों मनाया गया 20 जुलाई को। अब तक जो भी डेट आई है उसके बारे में आप लोग लिखिए कमेंट करके। ठीक है, इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ डेली करंट अफेयर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होता है, फालतू के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता हूँ। इसी वजह से केवल 9 से 10 ही क्वेश्चन रहते हैं मेरे वीडियो में, लेकिन ये 9 से 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो को रोज़ाना देखा करो। अगर आप लोग रोज़ वीडियो देखोगे तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ आपका GK GS का भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। तो आप लोग डेली वीडियो को जरूर देखा करो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। शेयर करने से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी नए नए पॉइंट लाने की कोशिश किया करूँगा रोज़ाना। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है ये भी बताइएगा। इसके साथ ही इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको पता हो, वीडियो को स्टॉप करके बहुत अच्छे से डिटेल में जितना भी पॉइंट आपको याद हो लिख डालिए भारतीय रेलवे के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस है। तो इस वजह से आपको इंडियन रेलवे से कम 20 से 25 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। तो बस दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आ सके थे। तो उनके नाम हैं प्रीति राजपूत, आलोक कुमार, आंचल कुमारी, संगीता देवांगन, सुजीत कुमार, नेहा चौधरी, विनोद कुमार, अमृत राज, शांति प्रिया, अर्चना आनंद, आकाश सिद्धार्थ, GP सैनी, जितेंद्र प्रजापति, शर्मिला कुमारी। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मंथली करंट अफेयर की जून मंथ की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो डाउनलोड कर लीजिए आप लोग वहां से उसको। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों 3 लाख सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने को कहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।